कर्नाटक के मैसूर में इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस कैंडिडेट अशोक कुमार राय के भाई के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। अशोक कुमार पटूर में कांग्रेस कैंडिडेट हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों ने बुधवार को उनके भाई सुब्रमण्यम राय के घर पर रेड डाली। यहां पर उन्हें एक पेड़ पर डिब्बे में रखे हुए 1 करोड़ रुपये मिले। एजेंसियों की खबर के मुताबिक इनकम टैक्स अधिकारी सुब्रमण्यम राय के घर पहुंचकर उनके बगीचे में लगे पेड़ को देखते हैं। इसमें घनी डालियों के बीच एक डब्बा रखा हुआ है। अधिकारी घर की महिलाओं से सवाल करते हैं कि ये क्या है, ये कैश है ना, इसे यहाँ किसने रखा। अधिकारी कहते हैं कि मैडम हम सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। इस पर एक महिला जवाब देती है कि इसे मैंने रखा है। अधिकारी पूछते हैं कि इसे यहाँ रखने के लिए आपको किसने दिया था और आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। इसका जवाब महिला दे पाए उससे पहले वीडियो खत्म हो जाता है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव है, इसके चलते आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना पूरी कागजी कार्रवाई के बड़ी मात्रा में कैश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की अनुमति नहीं है। इसी के चलते अवैध धन को जब्त करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की छापेमारियां जारी है और पुलिस भी इस मामले में एक्टिव है। 13 अप्रैल को बेंगलुरु पुलिस ने 2 आदमियों के पास से 1 करोड़ अवैध कैश बरामद किया था। यह बरामदगी सिटी मार्केट इलाके से एक ऑटो से की गई थी। पिछले महीने इनकम टैक्स टीमों ने प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर अंगीता बिल्डर्स के ऑफिस और कंपनी के मालिक नारायण आचार्य के हुबली स्थित घर में रेड की थी। इससे पहले आईटी विभाग ने पूर्व कांग्रेस नेता गंगाधर गोड़ा के 2 घरों और दक्षिण कन्नड़ के बेलथांगड़ी में एक शिक्षण संस्थान पर रेड डाली थी।